खबर जनपद पौड़ी से है, जहां मानसून सीजन की डेंगू का खतरा बढ़ गया है। अब तक स्वास्थ्य विभाग को जिले में 6 केस एलाइजा पॉजिटिव मिले हैं। इसमें कोटद्वार में 3, लक्ष्मण झूला में 2 और पौड़ी में 1 केस एलाइजा पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अब तक 3,418 घरों में मच्छरों का लार्वा मिला है। बता दें कि कुछ घरों में 4,32,926 कंटेनर का निरीक्षण किया तो 6,179 कंटेनरों में लार्वा मच्छरों का पाया गया है, जिसके लिए जिले में आशा कार्यकर्ताओं और 9 पीआरडी वॉलेंटियर द्वारा सोर्स रिडिक्शन और फॉगिंग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसके तहत ही जनपद के सीएमओ ने बताया कि डेंगू की रोकथाम के लिए उचित प्रयास किए जा रहे हैं। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। देखिए, जो सीजन होता है हमारा, इसमें सभी वेक्टर जनित रोग जितने होते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सब का भी प्रकोप पड़ता है। और इसी के साथ साथ जो जल जनित अन्य रोग हैं, डायरिया, उल्टी, दस्त वगैरह, इस तरह की भी बीमारियाँ, इनका भी बढ़ती है प्रकोप। तो इन सब की तैयारी के लिए हमारे यहाँ बिल्कुल आशा और एएनएम के माध्यम से लगातार हमारी टीमें घर घर जाकर के सोर्स रिडक्शन का भी काम कर रही है। नगर निगम के साथ भी जो भी नगर निकाय हैं, श्रीनगर, कोटद्वार, पौड़ी या नगर पालिका नगर निगम के साथ भी हम लगातार समन्वय स्थापित करते हुए हम जो है वहाँ पे फॉगिंग भी करा रहे हैं। जो हमारी नाली है वहाँ पे लार्विसाइडल का स्प्रे भी हो रहा है लगातार, और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।